हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कात्यायनी गुण 14 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी मैं गेटअप में हूँ। तो ये देखिए, मैंने साड़ी पहना है और मतलब नवरात्रि आने वाला है, एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1-2 दिन ही है। ठीक है, तो उसी की तैयारी चल रही है। और एक मैंने रील बनाया है, यूट्यूब पर भी मैंने डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल रील बना है, जो कि जिसमें मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ दिया है। आप लोग देख सकते हैं घर पे, मम्मी हमेशा मेरे साथ ही बनाती थी, मतलब वैसा ही मैं सॉन्ग लेती थी जिसमें मैं मम्मी को ऐड कर पाऊँ। तो यहाँ पे तो ये रहती नहीं है, कभी कभी आती है, तो क्या होता है कि ऐसा सॉन्ग लेती हूँ जिसमें सिर्फ डांस ही हो। डांस कर करके डाल देती हूँ। ये देखिए मेरी दीदी, मेरी मम्मी, और आप लोग को पता है आज निकल। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि नवरात्रि में मतलब आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या सोचा है इस बार। हमारी जो है, आप लोग देख सकते हैं कपड़ा, देखिए पता है मेरा फोन खो गया था। मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने रखा था ये सिलाई मशीन पे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रखा था मैंने कॉपी के पास। मम्मी ने शायद उठा के, पता नहीं कि दीदी ने रात को ही उठा के सब कुर्सी पर रख दी थी, और उसके ऊपर कपड़ा, मतलब सुबह में इतना टेंशन, दीदी ऐसे बोल रही थी आखिर क्या हो गया फोन, आई बा फोन का हो गया, तो मतलब इतना दिक्कत हो रहा था, लेट हो गया उसी में। आप लोग देख सकते हैं एक ही रील मैंने बनाया है, ये देखिए धूप खिड़की के बाहर, देखिए आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज धूप निकल गया है। मैं क्या बताऊं, ये देखिए मेरे घर की हालत, ढूंढने में फोन, ढूंढने में मतलब कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, पूरा खराब हो गया है। और ये देखिए मेरी दीदी की तबीयत खराब है, फिर भी काम करने जाए। दीदी छोड़ दीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं घर का कंडीशन, देखिए इतना खराब कंडीशन तो किसी का घर का नहीं होगा। जितना फोन के ढूंढने में मतलब पूरा कबाड़ खाना बना दिया है हम दोनों ने, हम दोनों बहनों ने किया है। इधर से मैं कपड़ा फेंक रही थी, उधर से वो बोल बोल के फोन, क्या हो गया फोन, ये देखिए इधर से देखिए कितना साफ आ रहा है। हाय बोलिए आप दोनों, मम्मी देखिए, मेरी मम्मी बहुत क्यूट हाय बोलती है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और आप लोग को पता है ये सब क्यों होता है, क्योंकि सुबह सुबह ही उठ के शूट करो, इसीलिए होता है, बस यही है। और फ्रेंड्स मतलब हमेशा मेरी वॉइस की ना तारीफ होती है, तो थैंक यू सो मच। इधर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब पूछिए ही मत, लेकिन आप लोग तारीफ करते हो मेरी आवाज की, और इधर लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोले ले तो बर्दाश्त ना होगा। तो ऐसा ही होता है। देखिए घर का कंडीशन, तो आप लोग ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारा मतलब बहुत कुछ ऐड करने वाली हूँ इस ब्लॉग में, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आगे तक बने रहना आप। फिलहाल मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, इसके बाद कुछ नाश्ता करने, बहुत तेज भूख लगी है। आप लोग को पता है मेरा नाक भी जल रहा है, इतना बुखार जैसा हो गया, दीदी को भी हुआ था और मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है, तो आगे तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये कपड़ा, देखो मैंने पूरा कपड़ा जो है सजा दिया है। ये देखिए इधर का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और इधर का भी ये आप लोग देख सकते हैं पूरा काम कंप्लीट हो गया है। इधर बिस्तर का भी मतलब देख सकते हैं आप लोग, काम कंप्लीट है। अभी भी मैंने झूला रखा है, उसमें चावल था, और इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो। तो मतलब काम कंप्लीट हो गया है, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग मेरी मम्मी बैठी है, मम्मी देखिए कैसे बैठी है। तो मम्मी बैठी हुई है अभी, और फिलहाल खाना बन रहा है, दीदी बना रही है। आप लोग को पता है मुझे दीदी के हाथ का या मम्मी के हाथ का बना ही खाना अच्छा लगता है, खुद से बना लूंगी तो मतलब ये खा नहीं पाऊंगी। तो 2-3 दिन से मेरी पूरी फैमिली खाना नहीं खा रही है ना मम्मी, दीदी खाना नहीं बनाती है तो कोई नहीं खाता है, अच्छा है कि नहीं मम्मी? देखिए मतलब इतना टेस्टी खाना बनाती है ना कि कोई भी खाएगा, एक मतलब ऐसा ना कि जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है वैसे ही इनका हाथ है ना मम्मी, कैसे बोल रही है? हाँ तो सच है ये, आप खाना नहीं बनाती है ना तो कोई भी खाना नहीं खाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दीदी खाना बना रही है, चावल बैठाई है, एक साइड सब्जी बन रहा है, तो
ये देखिए घर का लोकेशन देख लीजिए, कितना सामान बिखरा पड़ा था, बाप रे। लेकिन पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि फ्रेंड्स मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है दीदी के बाद, दीदी थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो खाना बना रही है, और तभी मेरा भी तबीयत खराब हो गया है। तो ये आप लोग मम्मी ये दवाई देख देख के हंस रही है क्योंकि ये 2 रुपए का दवाई है, तो बोल रही है कि 2 रुपए में जाके दवाई लेके आई भैया। तो ये क्रोसिन है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम में बुखार जैसा थोड़ा बहुत है, तो इसलिए क्रोसिन लेके आई हूँ मैं अपने लिए खाने के लिए, ताकि यह सेहत अच्छा हो जाए। क्योंकि सूट करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है, अगर शरीर में कोई भी मतलब परेशानी हो तो इसीलिए। और ये देख के मासी की याद आ जाती है ना दीदी। हाँ। मम्मी कैसे बोलती है मासी? बोलती है, क्या बोलती है मम्मी? बुखार लगता है अगर महंगा दवाई आ जाए तो? दो रुपए का दवा मिली तो ठीक हो जाइए। ये काहे का झूठा तनी ये 300-400 लगायो यही यही सुन के तो हमरा हंसी आला। 2 रुपए का अभी लेनी है तो हमरा हंसी आवत रहो जे सही बात कही। देखिए मेरी मासी बोलती है ना कि काहे 400-500 लगाओ तो सर करो एगो, उनको पता नहीं है कि इसका क्या नाम है, लेकिन बोलती है कि एगो दवाई मिलेला ब्लू ब्लू 1 रुपया 2 रुपया मिलेला, वो खा लेती 2 गो ठीक हो जाती। तो यही बोलती है वो, तो इसीलिए दुकान पे ही हंस रही थी कि 2 रुपए की दवाई मिल गई कहला आंसर। तो इधर आप लोग देख सकते हैं दीदी खाना बना रही हैं, और ये दवाई मैं अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, मतलब कल से मैं अच्छे से सूट कर पाऊंगी। और आप लोग को पता है नवरात्रि आने वाली है, मतलब 2-3 दिन में चढ़ने वाला है नवरात्रि, 2 दिन के बाद। तो बापरे मैं सोच रही हूँ क्या क्या बनाऊ, सॉन्ग कुछ सेलेक्ट है क्योंकि मैं नवरात्रि भर कुछ ना कुछ बनाती हूँ, नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी हूँ माँ की वजह से ही हूँ, और अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी कर पा रही हूँ माँ की वजह से ही कर पा रही हूँ, अपनी माँ की और इनकी भी माँ की, मतलब पूरी दुनिया की ये माँ है। इधर आप लोग देख सकते हैं पूरी दुनिया की ये माँ है और मेरी ये माँ है। तो बस मतलब स्पेशल रील बनाना है मुझे, और यूट्यूब पर भी अच्छा काम करना है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। पहले मेरी दीदी की तबीयत खराब थी जिस तरह से कैमरा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा सूट छूट रहा था। अभी मेरी जो है अब मेरे चेहरा देख लीजिए, मैं ठीक से खाना नहीं मतलब खाना भी नहीं खा पा रही थी, इसीलिए आज जब गई थी आप लोग को पता है मेरे घर पे ये देखिए सब्जी वगैरह खरीद के रात को ही आया था, राशन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। तो आज गई थी मैं एक को सामान लाना था राशन का, तो आज लेके आए हैं। रात को भी हम लोग गए थे सामान लाने, और इसके बाद ये अभी अभी मैं दवाई भी लेके आई हूँ, मतलब क्या बताऊँ सूट करके जल्दी जल्दी गई थी दवाई लाने। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए फ्रेंड्स। और आप लोग बोलते हो कि कात्यायनी आप बहुत कुछ ऐड कीजिए अपने ब्लॉग वीडियो में, तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ये मेरा अपना घर नहीं है कि मैं हक से कहीं भी ब्लॉग वीडियो बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, कुछ भी दिखा दूँ। अपना होता तो बाहर का भी लोकेशन दिखाती, आसपास का भी लोकेशन दिखाती, मतलब लेकिन ये अपना नहीं है। और आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि पता नहीं आप लोग विश्वास करोगे कि नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं जब भी बाहर शूट करने जाती हूँ, चाहे 1 सेकंड का भी मैं शूट करूंगी ना, तो उस दिन कोई ना कोई आके हम लोग उससे झगड़ा करता है। ये सच है, नहीं पता नहीं क्यों, शायद मुझे लगता है कि शायद मैं गरीब हूँ इसीलिए कि मैं रिटर्न कुछ नहीं दे पा रही हूँ उन लोगों को, इसीलिए। तो मैं जब भी शूट करने जाती हूँ, चाहे ब्लॉग कुछ भी शूट करने जाऊंगी, तो कोई ना कोई झगड़ा करता है, और झगड़ा करते करते इतना करता है, इतना अपसेट कर देता है, इतना डीमोटिवेट कर देता है मुझे कि मतलब 2-3 दिन तक मेरा काम छूट जाता है। तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ कि बेकार में अभी जाऊंगी मैं तो किसी ना किसी से झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी बाहर वीडियो बनाती हूँ तो झगड़ा करके ही बनाती हूँ। जिस दिन मेरा बाहर की वीडियो आप लोग देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि किसी ना किसी से कत्यानी का झगड़ा हुआ है ना दीदी। तो ये एकदम फिक्स है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, तभी इन लोग को पता चल जाता है अच्छा शूट करने जा रही है, इसको बता रहे हूँ। तो ऐसा ही है, मैं खुद ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से लड़ रही हूँ, घर की हालात स्थिति मतलब जो कुछ भी है, पैसों के लिए की प्रॉब्लम, और हमारे जो मतलब हमारी लाइफ में दुश्मनों की बहुत ज्यादा संख्या है, जिससे हम लोग कभी मिले भी नहीं होते हैं, वो लोग भी हमारे जो है दुश्मन बन चुका होता है सब, मुझे नहीं पता कैसे। आपको पता है दीदी? हमें भी नहीं पता है।
हाँ कहाँ से आता है मम्मी सामने से ऐसा आता है ना ऐसे ऐसे मतलब का फेस बनाता है ये तो मेरा दुश्मन बन चुका है। हम लोगों से पता नहीं लोग क्यों इतना कंपेयर करते हैं, अमीरी गरीबी को लेकर, पैसे के लेकर, काम कपड़ा खूबसूरती खाना पीना मतलब बहुत कुछ, जहाँ भी जाओ लोग कंपेयर ही करते हैं, लोग नीचा ही दिखाते हैं, बहुत सारी बातें मतलब कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब मैं खुद को समझती हूँ कि मुझे इतना प्यारा फैमिली मिला है, और उसके साथ ही साथ माता रानी ने, मैया ने मुझे इतना महान कला दिया है कि मैं चाहे कितना भी थैंक यू बोल दूं माँ को पूरा का पूरा कम ही पड़ जाएगा। इसीलिए बस खुद को इन पर ही अरिछावर कर दिया है कि बस अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना मुझ पर, और थैंक यू सो मच माँ इतना अच्छा मतलब कला मुझे देने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर मिला है, आपका प्यार मुझे मिला है, जिस वजह से मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी जिसको कंपेयर करना है करूँ, और मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, तो मैं अपना करूँगी। तो ये देखिए खाना पीना और घर का आप लोग देख लीजिए, काम करके मेरे सब निपटा दिया है। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग भी बनेगा, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल बहुत ही प्यारा बनने वाला है, क्योंकि दीदी नवरात्रि का जो व्रत है वो करने वाली है, तो उस दिन मजा ही मजा है। दही जमेगा, कटाएगा, भूखना हमें है। क्या क्या आएगा, बोलेंगे नहीं फ्रेंड्स, और ये हाँ खुद ही ला देंगे, बोलने की क्या जरूरत है, जो जो आता है हमको पता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब वायरल कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकूं, और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए बस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए, लव यू। और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सपोर्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए।